टिकटॉक को यूएस में एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी ट्रस्ट और सुरक्षा प्रमुख एरिक हान 12 मई को कंपनी छोड़ देंगे। लोकप्रिय शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप को हान इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि टिकटॉक अमेरिका में प्रतिबंध के खतरे से लड़ रहा है। मंगल ग्रह पर उम्मीद से अधिक पानी मिलने के प्रमाण मिले हैं। चीन के मार्स रोवर जिसे जुरांग ने इस दिशा में एक नई जानकारी जुटाई है। जुरांग ने मंगल ग्रह के निचले और गर्म इलाकों में पानी के आकलन से जुड़े कई प्रमाण दिए हैं। जुरांग के मुताबिक रोवर ने लाल ग्रह के निचले इलाके में भी पानी खोज निकाला है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3000 से अधिक लोग भारत लौट चुके हैं। संकटग्रस्त सूडान से दिल्ली पहुंचने के बाद राहत की सांस ली है। भारतीय लोगों ने मोदी के नाम के जयकारे लगाए और कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। आपको बता दें कि भारत ने 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था और सैन्य विमानों और युद्धपोतों को तैनात किया गया था। चीन के यूनान प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 दर्ज की गई है। जानकारों की माने तो उनका कहना है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरोपियन प्लेट को धक्का दे रही है। इसका असर दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आने वाले समय में हिमालयी इलाके में इस तरह के झटके ज्यादा महसूस किए जाएंगे। प्राइवेट एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट फ्लाइट भारी नुकसान का सामना कर रही है। अपने खर्चे चलाने के लिए फंड ना होने की वजह से उसने दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT में अप्लाई कर दिया है। इसके साथ ही उसने 3, 4 और 5 मई 2023 को अपनी फ्लाइट कैंसिल करने की सूचना भी जारी कर दी है जिसकी वजह से एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इस तरह अचानक फ्लाइट कैंसिल किए जाने पर गो फर्स्ट को नोटिस भी जारी कर दिया है। ब्रिटेन की सभी दुकानों से कैडबरी के प्रोडक्ट हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लिस्टेरिया बैक्टीरिया के डर से पूरे ब्रिटेन में कैडबरी के प्रोडक्ट्स को दुकानों से हटाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि जिन लोगों ने कंपनी के प्रोडक्ट पहले से ही खरीद लिए हैं उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे उन्हें ना खाएं और बदले में उन्हें रिफंड भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार लिस्टेरिया बैक्टीरिया एक फूड बॉर्न बैक्टीरियल बीमारी है। यह आमतौर पर बैक्टीरिया लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन से दूषित खाना खाने के कारण होती है। मोदी सरकार की टोल टैक्स को लेकर फास्टैग प्रणाली रंग लाई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि 29 अप्रैल को इस प्रणाली के माध्यम से एक दिन में 193.15 करोड़ रुपए टोल संग्रह का नया रिकॉर्ड बना है। गौरतलब है कि 29 अप्रैल 2023 को फास्टैग प्रणाली पर 1.16 करोड़ रुपए लेन देन के साथ वाहनों से 193.15 करोड़ रुपए का टोल वसूल किया गया है। राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है जिसके तहत अशोक गहलोत आज अपना जन्मदिन राजस्थान के सबसे पिछड़े इलाके उदयपुर जिले के कोटड़ा में आदिवासी के साथ मनाएंगे। सिर्फ कोटड़ा ही नहीं, सीएम गहलोत का एक ही दिन में उदयपुर के कई क्षेत्रों में दौरा भी करना बाकी है।